Hey, hi, I'm Dr. Abhinit Gupta और I'm skin and hair specialist. मैं लोगों की सुंदरता को और ज़्यादा निखारता हूँ. आज का जो मेरा टॉपिक है ये बहुत सीरियस टॉपिक है और इसको वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा ये, बिकॉज ये आपके लिए, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक. ये जो मैं आज कवर करूँगा ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है. क्या आपको पता है कि आप जो ब्लैक गॉगल पहनते हैं या आप जो सनस्क्रीन लगाते हैं बॉडी पे, वो आपको कैंसर के लिए और ज़्यादा प्रोन करता है, या आपको बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करता है कैंसर के लिए और बहुत ज़्यादा आपको डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को बर्न कर सकता है. नहीं पता होगा तो प्लीज़, अगर आपको जानना है कि कैसे होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा. तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको. सन में कई टाइप की रेज होती है, यू वी ए, यू वी बी एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, और इंफ्रा जो होती है, यू वी ए एंड यू वी बी एंड इंफ्रा रेड रेज, जो लाइट होती है, जो कलर होता है, जो हमको दिखता है, जो गर्म होती है, ख़राब वो रेज नहीं होती है. यू वी ए हमको हमारी बॉडी में स्किन कैंसर कॉज करती है. यू वी बी रेज जो होती हैं वो हमको टैनिंग करती हैं, तो जब वो स्किन में पड़ती है जो, तो हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंटेशन प्रोडक्शन होता है जो टैनिंग कॉज करती है. साथ ही साथ आप सबको पता है, हम सबको पता है कि विटामिन डी सन रेज के में जाने से विटामिन डी बॉडी हमारी बनाती है. मगर आपको क्या ये बात पता है कि जब आप कार के अंदर बैठे होते हैं या आप किसी भी घर के अंदर बैठे हो जहाँ पे ग्लास होता है, वहाँ पे अगर बैठे हैं तो यूवी बी फिल्टर हो जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बन पाता है. इस चीज़ को एक मैं बताऊँगा. दूसरी बात, जब आप गॉगल पहनते हैं, ब्लैक गॉगल पहनते हैं, तो भी आपकी बॉडी मेलानिन पिगमेंटेशन नहीं बना पाती, जिसके कारण आपकी बॉडी में सन बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. कैसे? हमारी बॉडी को नहीं पता है कि बाहर यूवी लाइट आ रही है. वो कैसे पता चलता है? उसको पता चलता है आईज के थ्रू. हमारी बॉडी ऐसी डिज़ाइन की गई है कि उसमें उसको हर टाइप की लाइट, उसको हर टाइप की रेस चाहिए होती हैं. तो जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमारी आँखों के थ्रू जो सनलाइट जाती है, वो लेंस होता है वहाँ पे, वो उसको 7 डिफरेंट लाइट में उसको डिवाइड कर देता है, और थ्रू रेटिना वो केमिकल सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक पहुँचता है कि वहाँ पर बाहर लाइट है. हमारी स्किन को नहीं पता होता लाइट है, ये हमारी आँख के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल पहुँच रहा है, जो पीनियल ग्लैंड को पहुँचाता सिग्नल कि यूवी लाइट है, जो एक हार्मोन रिलीज करता है और जिसके कारण हमारे पिगमेंटेशन, हमारी स्किन में टैनिंग होती है या मेलानिनोसाइट एक्टिवेट होता है, जो ब्लैंड पिगमेंट को बनाते हैं. बट क्या आपको ये बात पता है कि जब आप गॉगल पहनते हैं, ब्लैक गॉगल पहनते हैं, जिसके कारण यूवी रेज फिल्टर हो जाती हैं, अभी यूवी रेज नहीं पहुँच पा रही हैं ब्रेन तक, ओके, लाइट लेंस तक नहीं पहुंच पा रही है, इससे रेटिना में नहीं पहुंच पाएगी और ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा कि. तो जब आप गॉगल पहनते हैं तो गॉगल उन यूवी रेस को, लाइट्स को फिल्टर कर देती है, तो वो हमारे सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता कि बाहर यूवी लाइट है, बिकॉज स्किन में सनलाइट पड़ने से फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि यूवी लाइट है? थ्रू आईज. आईज में जब रेज जाती हैं वो लेंस को, लेंस तक पहुँचती, लेंस उसको स्कैटर करता है, रेटिना तक पहुंचता है, रेटिना से सिग्नल जाते हैं केमिकली, सिग्नल जो पहुंचते ब्रेन तक, वो पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए और लाइट बॉडी मेलानिन पिगमेंट को बनाती है. बट क्या आपको एक बात पता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, एक्स्ट्रा विटामिन डी बनता है तो भी बॉडी कैंसर के प्रोन हो जाती है, और लैक ऑफ विटामिन डी ऑल्सो कैन लीड टू कैंसर्स. प्रॉपर विटामिन डी कि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी है प्रॉपरली, तो आप 78% कैंसर को रिवर्स कर सकते हो. 95% लोग आज की डेट में विटामिन डी डेफिशिएंट है. क्यों? मैंने आपको बताया कि दो टाइप की यूवी रेज होती हैं, यूवी ए एंड यूवी बी. जब यूवी बी लाइट स्किन में पड़ती है, अल्ट्रावायलेट बी लाइट पड़ती है, तो वो विटामिन डी बनाता है. वो विटामिन डी बनाता है, एंड यूवी ए विटामिन डी, एक्स्ट्रा विटामिन डी को डिस्ट्रॉय करता है. दे आर टू पॉइंट, यूवी बी बना रहा है, यूवी ए उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है. अभी क्या होता है कि आपने सनस्क्रीन लगा ली, खूब सारा लगा ली सनस्क्रीन, तो वो यूवी बी लाइट को फिल्टर कर देता है, तो यूवी ए आपको और ज़्यादा डैमेज करने लगता है, बिकॉज विटामिन डी जो इधर उधर थोड़ा बहुत बन भी गया होगा, वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा थ्रू यूवी ए. बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बाहर निकलते हैं, हम तो कार के अंदर बैठे रहते हैं, तो भी आप कार के अंदर बैठे हैं, आप यूवी बी फिल्टर हो जाएगी तो ब्लैंड पिगमेंटेशन नहीं बनेगा, दैट आपको विटामिन डी नहीं बनेगा, और जो एक्स्ट्रा विटामिन डी जो एक्स्ट्रा इधर उधर बन जाता है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा.
दूसरी बात, आप सन अगर आप रेगुलर अच्छे से आप धूप में घूम रहे हैं, प्रॉपर सन आप मतलब अच्छा सन, लोग कहते हैं सन बात लेते हैं, सुबह 9 बजे की धूप लेते हैं, अगर उससे आपका जो विटामिन डी बनता है उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, उसका भी एक रीज़न है। 48 आवर्स में यानी 2 दिन तक आपके जो सन बॉडी की स्किन की लेयर में जो विटामिन डी बना होता है वो आपकी बॉडी की लेयर में 2 दिन तक रहता है, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। मेरी बात को समझिएगा, जो विटामिन डी बन रहा है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 दिन के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। बट हम लोग जब नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो हम उसको वॉश आउट कर देते हैं, तो साबुन लगाने से भी आप विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप साबुन ना लगाएं, आप साबुन लगाएं, आपके आर्म्स पिट में लगाएं, आपके ग्रोइन एरिया में लगाएं, आप ऐसे पार्ट में साबुन यूज़ कर सकते हैं जो सन एक्सपोज ना हो रहा हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट हाथों में या जो पार्ट एक्सपोज है वहाँ पे आप हफ्ते में एक बार साबुन लगाएं। सो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर आवर बॉडी, जो हमारे ब्रेन को, हार्ट के लिए, फुल बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए और पूरी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बट वो हम धूप से उसको बना सकते हैं, बट हम धूप से बनाते भी हैं तो हम जाने अनजाने में उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बात लोगों को नहीं पता होती कि साबुन से जब हम नहाते हैं तो विटामिन डी जो हमारी स्किन की लेयर में बना हुआ होता है वो 2 दिन तक स्किन की लेयर में रहता है, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, बट हम उसको नहाते समय साबुन लगा के धो देते हैं। तो प्लीज़ हफ्ते में एक बार साबुन लगाएं, एटलीस्ट उन पार्ट में जो एक्सपोज्ड है, आप बाकी इंटरनल पार्ट्स में साबुन से बिल्कुल क्लीन करिए। और साबुन ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्किन को, सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनका, आप जब साबुन लगाते हैं तो वो मर जाते हैं, तो साबुन इतना अच्छा भी नहीं है बॉडी के लिए। दूसरी बात, विटामिन डी इज़ वेरी असेंशियल फॉर अवर बॉडी। यूवी एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट रेज़ के एक्स्ट्रा एक्सपोजर में आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बहुत से सनस्क्रीन आती है जो UVA बी को भी बैन करती है, बट अगर आप UVA एंड UVB दोनों को उसको सनस्क्रीन के थ्रू बैन करते हैं तो वो आपको सन बर्न कर सकता है। आप जब धूप में जाएंगे तो रेड होने लगेंगे, बिकॉज वो आपकी स्किन को प्रोन कर देता है सन बर्न के लिए, बिकॉज इंफ्रारेड रेज चला देती है। अभी आप बहुत ज़्यादा जब सनस्क्रीन लगाते हैं तो भी आप स्किन कैंसर के लिए या बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर के लिए आप प्रोन रहते हैं। कैसे होते हैं? अभी क्या होता है, मैंने सनस्क्रीन बहुत भर के लगा ली पूरी, ठीक है, अभी मैं धूप में घूम रहा हूँ, 1 घंटे में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन कंटेन कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस वो चीज़ होती है जो स्किन कैंसर या डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर के लिए हमारी बॉडी को प्रोन कर देती है, उसको बॉडी में कैंसर कॉज करने के लिए आगे बढ़ा देती है। तो आप जब सनस्क्रीन लगाते हैं, खूब रगड़ रगड़ के सनस्क्रीन लगाते हैं, वो बॉडी में अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है? वो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, ब्लड के थ्रू वो लिवर में जाता है, लिवर में जाके वो बॉडी में अलग अलग जगह में जाके, लिवर में जाके उसके थ्रू वो अलग अलग पार्ट में जाके डिपॉजिट होने लगता है। आप सबकुटेंस टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा, अलग अलग जगह डिपॉजिट हो जाएगा, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में जाएगा, वहाँ पे कंजेशन कॉज करेगा जो अगेन कैंसर को कॉज कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में भी सनस्क्रीन ना लगाएं, बिकॉज वो आपको कैंसर के लिए प्रोन कर सकता है आपको। तो गॉगल एक बहुत मेजर कॉज है स्किन कैंसर के लिए या डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर के लिए, बिकॉज वो आपको यूवी रेज़ को फिल्टर कर देता है। आप हमेशा याद रखिए कि एक चीज़ और आप देखिएगा, जो मेलाटोनिन होता है, ठीक है, मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन, जब हम सोते हैं, जब अंधेरे में रहते हैं तो वो बॉडी रिलीज़ करती है मेलाटोनिन, एंड सेरोटोनिन इज़ अ जब आप रिलीज़ होता है तो आप एकदम एक्टिव हो जाते हो। तो जब जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनको लाइट आइज में नहीं जाती है, उनकी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, बिकॉज वहाँ पर अंधेरा रहता है उनको। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो ब्लाइंड होते हैं, वो बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। और जो आप इस मैसेज को और बताइएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, कि ब्लैक गॉगल ज़्यादा ना लगाए, बिकॉज वो आपको सन डैमेज में और ज़्यादा कॉज कर सकता है और कैंसर के लिए और ज़्यादा प्रोन कर सकता है। अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, अपकमिंग टॉपिक्स होंगे, इसमें ये भी रहेगा कि कैसे हम डायबिटीज़, आप देखोगे आजकल हर किसी को, हर चौथे इंसान को डायबिटीज़ होती है, तो वो भी क्यों होता है, उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा आप लोगों को। और हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी सनस्क्रीन नहीं लगाइएगा, और बहुत सारे लोग होते हैं कि भर भर के सनस्क्रीन लगाते हैं, दैट्स रियली वेरी रॉन्ग। सनस्क्रीन लगाएं बट बहुत ना लगाएं, ठीक है। और अब चेक करिए कि आपकी जो सनस्क्रीन है उसमें कार्सिनोजेंस ना हो, ऐसे इंग्रेडिएंट ना हो जो कार्सिनोजेंस हो। दूसरी बात, आप
अच्छे से सोइए, स्लीप अच्छी लीजिए. एंड तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर नर्व, फॉर आवर फुल बॉडी को वर्क करने के लिए विटामिन डी बहुत इसेंशियल होता है. तो आप प्रॉपर सन एक्सपोजर लें तो आप उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने दें, बिकॉज वो आपको 70% कैंसर को रिवर्स कर देता है विटामिन डी. एंड आप साबुन ज़्यादा एक्सपोज पार्ट में ना लगाएं. और बहुत कुछ बता दिया यार. तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, छोटे से टॉपिक, तो प्लीज़ इस बात को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा. मेरी आईडी है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, DRABHINITGUPTA. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा. और कई बार मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ तो रेगुलर मुझे मैसेज कीजिएगा, तो आपके मैसेज अप हो जाएंगे, फिर मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा. ये एक सीरियस टॉपिक था तो इसको ज़रूर समझिएगा, ये आपके लिए है. तो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर भी खतरनाक हो सकता है, खासकर चश्मा लगा के.